देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के लिए आइए फटाफट अंदाज में आपके सामने रखते हैं ताबड़तोड़ 50। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, हिरासत में लिए गए कई लोग। महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से राज्य पीएफआई के सेक्रेटरी मोहम्मद अली को किया गिरफ्तार। 22 सितंबर से अब तक पीएफआई के 21 कार्यकर्ता पकड़े गए। यूपी के कई जिलों में एटीएस ने पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। गाजियाबाद में रेड के दौरान 5 लोग हिरासत में। मेरठ, बुलंदशहर और सीतापुर से भी पकड़े गए पीएफआई के संदिग्ध। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापेमारी। इंदौर में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि भोपाल से 1 शख्स को पकड़ा गया। असम के कामरूप में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने कई पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया। यूपी के औरैया में एक दलित छात्र की मौत पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। टीचर की पिटाई से छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया। औरैया के डीएम की भी गाड़ी में पथराव के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दी। शांति बहाली के लिए हालांकि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के औरैया में मृतक छात्र के परिजनों के आर्थिक मदद आईजी प्रशांत कुमार ने दिया 3 लाख रुपए का चेक। कानपुर मंडल के कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को मदद का पूरा भरोसा भी दिया। यूपी के कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बाद में दोनों के कार्यकर्ताओं ने थाने में बवाल किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में लड़की की किडनैपिंग के शक में आरोपी की जमकर पिटाई। स्कूल के बाहर खड़ी लड़की को अगवा करने की कोशिश का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 महिलाओं के बीच मारपीट, वहां मौजूद लोगों के बीच बचाव की भी तस्वीर सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में मारपीट की शिकायत करने पहुंचे लड़कों पर आरोपी ने की फायरिंग। हादसे में 1 लड़के की मौत है, 1 बुरी तरह जख्मी। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी। बिहार में बाढ़ के बाद आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट और फायरिंग की तस्वीर भी नजर आई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बाढ़ की तस्वीर। मध्य प्रदेश के सतना में मामूली विवाद में फायरिंग। मूर्तिकार और ग्राहक के बीच कहां सुनी हुई पड़ोसी ने गोली चलाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स ने अपने बच्चे की खातिर अपनी पत्नी को गोली मार दी और 2 साल के बच्चे को लेकर मौके से फरार हो गया। झारखंड के दुमका में ग्रामीणों ने एक ही परिवार की 3 महिलाएं और 1 पुरुष के साथ की बदसलूकी। गरम छड़ी दागने का आरोप, पीड़ितों की शिकायत पर सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर खड़ी कार को तलवार से वहां पर मौजूद बुद्ध के काटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के टोंक में पानी की टैंकी पर चढ़े लड़के ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद परिवार से प्रताड़ित लड़का तीसरी बार टंकी पर चढ़ा। पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा। यूपी के फतेहपुर में एक लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। जमीन के पेमाइस की नाम पर किसान से लिए 3,000 रुपए। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसला। आरपीएफ के जवान और वहां मौजूद यात्रियों ने दौड़कर यात्री की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी, 2 नागरिक जख्मी। असम के तेजपुर में एलएसी के पास फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाती नजर आई। वायुसेना की महिला पायलट लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर रही हैं महिलाएं। नासा ने रच दिया इतिहास। धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की बदली दिशा। एस्टेरॉयड से टकराया नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। सड़कों पर सैलाब से लोग बेहद परेशान। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के धेमाजी में भारी बारिश से तबाही मची। गेरुकामुख के जल विद्युत परियोजना की एक दीवार गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई गांव में यमुना का पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश मुसीबत का सबब बन गई। नदी के तेज बहाव में दुर्लभ प्रजाति का सांभर भी फंस गया। वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए यमुना के पानी से सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक धसा। गेटमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया।
यूपी के फिरोजाबाद में लगातार मूसलाधार बारिश से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बाजरा और गाजर की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान। किसानों ने शासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तरकाशी के हिल गुडाड़ के पास पहाड़ से पत्थर गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद। पिछले 3 दिन से गंगोत्री धाम की यात्रा पर लगा ब्रेक। यात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हादसे के दौरान हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। मर्सिडीज बेंच की टक्कर के बाद ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूटा। कार में सवार सभी लोगों को मामूली चोट आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मारी। आग में झुलसकर क्लीनर की मौत। ट्रक से कूदकर ड्राइवर ने जान बचाई। दिल्ली के पहाड़गंज में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकला बाघ पिछले 15 दिनों से गन्ने के खेत में छिपा। ग्रामीणों ने घरों से निकलना किया बंद। वन विभाग को दी गई खबर। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा भारत और जापान की दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई। 2024 लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को लेकर आज बीजेपी के राज्य प्रभारियों की अहम बैठक होनी है। जेपी नड्डा की अगुवाई में होगी बैठक। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मानसा में कुलदेवी का दर्शन करते भी नजर आएंगे। 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाएंगे पीएम मोदी। एम्स और हाइड्रोड इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। माकन ने कहा आलाकमान ने मांगी पूरी घटना पर लिखित रिपोर्ट। केरल के मलप्पुरम में पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 20वें दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया पैदल मार्च। यूपी के गोरखपुर के जंगल कौड़िया में बने स्टेडियम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। 16 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है स्टेडियम। यूपी के रामपुर में एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात गनर को लौटाया। आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने स्कूलों में मां सरस्वती की तस्वीर लगाने को लेकर विवादित बयान दिया। कहा स्कूलों में शारदा माता की तस्वीर लगाई जाती है जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, उनकी पूजा क्यों करनी है। महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में 4 साल बाद स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ मंदिर का प्रसाद प्रवेश। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के पहले दिन गरबा की धूम। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक पोशाक में गरबा करते हुए दिखाई दिए। ईरान में हिजाब पर विवाद में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए प्रदर्शनकारी जावेद हैदरी की बहन ने सरकार के विरोध में अपने भाई की कब्र पर जाकर बाल काटे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 30 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेरिका में अब तूफान का कहर जारी। आईएएन स्टॉर्म से फ्लोरिडा में प्रशासन सतर्क। भारी तबाही की आशंका। पोर्टो रिको में लगाई गई इमरजेंसी।